ना आंध्रा कुटुंब सभ्युलंदरिकी नमस्कारालु राजा महेंद्रवरम वासियों को नमस्कार। मैं गोदावरी मां को प्रणाम करता हूं। इस धरती पर आदि कवि नन्नय्या ने तेलुगु का सबसे पुराना साहित्य रचा था। मैं देख रहा हूं आज वो धरती एक नया इतिहास रचने जा रही है। ना आंध्र कुटुंब सभ्युलारा राजमहेंद्र वासुलारा मी अंदर की नमस्कारालु। नेनु तल्ली गोदावरी की तलवंची नमस्करिस्तुनानु। ई नेल मीदे आदिकवि नन्नय्य तेलुगुलो तोलि काव्यानि रचिंचारु। इप्पुडु ई नेल नुंची कोत्त चरित्र प्रारंभमवुतुन्नदि नाकु स्पष्टंगा कनिपिस्तोंदि। साथियों, 13 मई को आप अपने वोट से आंध्र प्रदेश की विकास यात्रा का नया अध्याय शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव में तो एनडीए रिकॉर्ड बनाएगी ही, आंध्र विधानसभा में भी अगले 5 साल के लिए एनडीए सरकार तय हो जाएगी। ये विकसित आंध्र प्रदेश विकसित भारत की तरफ बहुत बड़ा कदम होगा। साथियों, मैं साफ देख रहा हूं, मैं अभी यहां उड़ीसा से आ रहा हूं, वहां भी असेंबली के चुनाव चल रहे हैं, यहां भी असेंबली के चुनाव है। इस समय देश में जितने भी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं सब में एनडीए की सरकार बनेगी। मित्रलारा, 13 मे 13वा तारीखुना मी वोट तो आंध्र प्रदेश लो वका अभिवृद्धि यात्रा लो वका कोत्ता अध्यायान्नी मीरु प्रारंभिंच बोतुन्नारु। लोकसभा एन्निकल्लो एनडीए विजय साधिंची तीरुतुंदी, कानी दानितो पाटु आंध्र प्रदेश विधानसभलो रानुन्न 5 संवत्सरालु एनडीए प्रभुत्वं उंडबोतोंदी। इदी विकसित आंध्र प्रदेश विकसित भारत देशंलो उन्नटुवंटि ఒక పెద్ద అంతర్భాగంగా ఉండబోతోంది। మిత్రులారా, నాకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది, నేను ఒడిశా నుంచి వచ్చాను, అక్కడ కూడా విధానసభ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ కూడా విధానసభ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి। దేశం మొత్తం మీద ఎక్కడెక్కడ విధానసభ ఎన్నికలు జరిగాయో అన్ని చోట్ల ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాబోతోంది। సాథియో, इस चुनाव में एक और कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर वाईएसआर कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता यहां नतीजों से पहले ही हार मान गए चुके हैं और आंध्र प्रदेश की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस को भी पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को पूरे 5 ईयर्स का अवसर मिला, इन्होंने ये 5 ईयर्स भी बर्बाद किए और आंध्र को भी विकास में पीछे कर दिया। मित्रलारा, ई एन्निकल्लो रेंडु प्रमादालु उन्नाई, ओकटि कांग्रेस पार्टी, रेंडवदि वाईएसआर कांग्रेस। कांग्रेस नायकुलु एन्निकल फलितालु
వెలువడడానికి ముందే పరాజయాన్ని అంగీకరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ని కూడా పూర్తిగా తిరస్కరించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి 5 సంవత్సరాలు అవకాశం లభించింది. కానీ ఈ 5 సంవత్సరాలని వాళ్ళు పూర్తిగా వృధా చేశారు. అంతే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిని కూడా వెనక్కి వెళ్ళేలా చేశారు. సాథియో, జబ్ చంద్రబాబుజీ కి సర్కార్ థీ తబ్ ఈ రాజ్య వికాస్ కే టాప్ పర్ థా. లేకిన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నే యహాన్ వికాస్ కి గాడీ కో पटरी से उतार दिया. जनता के हित में काम करने के बजाय इस सरकार ने तो उल्टा आंध्र प्रदेश को ही भारी कर्ज में डुबो दिया. इसलिए देश हो या प्रदेश, आज विकास का एक ही गारंटी है और वो गारंटी है एनडीए. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद.